सलाम नमस्ते हेलो केम छो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस पर तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं बहुत दिन बाद आज हम लोग साढ़े पांच बजे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं बीच में दोस्तों तबियत खराब हो जाने की वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी है ना लेकिन आप लोगों ने इतना फोर्स किया कि सर साढ़े पांच बजे वाली क्लास शुरू करो साढ़े पांच बजे वाली क्लास शुरू करो कि मुझे इसे जो है शुरू करना पड़ा और आ, आ, एक बात और है कि भाई आप लोगों का प्यार और आप लोगों की प्रेयर से मैं सही भी हो गया वरना मैं एक महीने तक वेट पे ही पड़ा रहा पूरी बहुत बुरी स्थिति थी लेकिन आप लोग की वजह से सही हो गया तो दोस्तों यहाँ पे साढ़े पाँच बजे की क्लास बिल्कुल रेडी है जो करेंट अफेयर की है और जिस जो दोस्तों आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे स्टेट लेवल हो आई हो बैंक एस एस रेलवे कोई भी हो और भाई रीजनल रूरल बैंक और एसबीआई के एग्जाम भी आ गए हैं तो आप लोग ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए ठीक है तो साढ़े पांच बजे इस क्लास में आप लोग को रोज जुड़ना है दोस्तों बस इतना याद रखना है ठीक है गुड मॉर्निंग सभी को अंकित संजना अंकेश वैभव शंकर आकाश अवधेश नैन्सी अक्षित काजल बहुत सारे आकाश लादुकर बहुत बढ़िया दीक्षा रोमा सभी लोग बेटा एक बार इसे जो है दबा के शेयर कर दीजिए पल्लवी सभी लोग केतन सभी लोग बेटा सभी लोग इसे शेयर कर देंगे और ताकि सबको पता चल सके आज तो सबको पता भी नहीं है सब लोग कंफ्यूज हैं कि साढ़े पाँच बजे है कि साढ़े छः बजे है तो अब मैंने दोनों क्लास लेनी शुरू कर दी है दोनों चैनल पे ताकि जो है कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन में उसकी करंट अफेयर की क्लास छुट जाए क्योंकि भाई नाइनटी परसेंट तो यही ये आजकल एग्जामिनेशन में डोमिनेट कर रहा है चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देख लो चाहे एसएससी सीएचएसएल अभी हुआ या फिर दोस्तों अभी जितने भी बैंक एग्जाम हुए आपने देखे हैं दो साल में करंट अफेयर तो दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि असम सरकार द्वारा हाल ही में किस नेशनल पार्क को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया यानी कि सिक्स नेशनल पार्क वो बन गया है असम की अगर बात की जाए दोस्तों तो राजीव गांधी उरांग नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क है नामेरी नेशनल पार्क है गरम पानी लाइफ सेंचुरी है दिब्रूगढ़ साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है और दोस्तों काजीरंगा है काजीरंगा भी है तो अब यहाँ पे सिक्स नेशनल पार्क कौन सा बन गया है? दोस्तों यही यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ठीक है पीहू चौरसिया करें स्ट्रेटेजी के नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे बिल्कुल पढ़ाएंगे बस धीरे धीरे जो है अ अपना शो जो है उफान पे आएगा धीरे धीरे रेमना धीरे धीरे होए माली सौ सौगढ़ा ऋतु आए फल होए तो दोस्तों सब कुछ होगा आप जैसे जैसे डिमांड करोगे चीज़ें इसमें ऐड होती जाएंगी और दोस्तों यही तो नहीं आपका स्टैटिक जीके हो गया आसाम के मैंने इतने नेशनल पार्क आपको बताई ये आपका स्टैटिक जीके हो गया कि आपको आसाम के नेशनल पार्क याद रहेंगे मानस नामेरी डिब्रूगढ़ राजीव गांधी औरंग काजीरंगा गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब क्या है ये भी तो है मेरी बैंकिंग की क्लास रात नौ बजे होती है गौरव सैनी सर क्लासेस पर अमर सर यूट्यूब चैनल पर होती है ठीक है चलिए रात को नौ बजे तो दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा राय मोना रिजर्व फॉरेस्ट को नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया कोकड़ा तो झाड़ जिले में ये रायमोरा का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जिले में 422 वर्ग फीट का यह वन्य जीव अभ्यारण निवास मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है अब मानस की एक और खास बात है दोस्त इस ये क्वेश्चन आरबीआई में आया था मानस की एक और खास बात है कि मानस भूटान तक में फैला हुआ है ये जो मानस का जो क्षेत्र है ना भूटान के अंदर भी है तो भूटान भी मानस नाम के ही नेशनल पार्क को और रिजर्व जो को वो करता है संरक्षित करता है और उसका ज्यादातर हिस्सा जो है भारत ही मैनेज करता है ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नेशनल पार्क है जो भूटान में भी है तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो ४२२ वर्ग किलोमीटर के रायमोना से पहले मौजूद पांच राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा मानस नामेरी उरांग और डिब्रूगढ़ साइक हुआ है ये मैंने आप लोग को अभी बताया भी ठीक है क्लियर है चलिए असम की राजधानी दिसपुर असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा अभी सर्वानंद सोनेवाल की जगह ये मुख्यमंत्री बने अभी चुनाव हुआ था वहाँ पे इन्होंने असम के मुख्यमंत्री बनते ही वहाँ पे दोस्तों तेरह अभिभावक मंत्री चुने हैं तेरह अभिभावक मंत्री जो दो दो तीन तीन जिले के गार्जियन रहेंगे गार्जियन मिनिस्टर इन्होंने चुनाया आसाम ने गार्जियन मिनिस्टर चुना है दोस्तों ठीक है याद रहेगा दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी आपकी वो क्या कहते हैं रिवर आइलैंड आसाम में ही है माजुली आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है ठीक है याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है किसके लिए फेमस है मेरे भाई एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है ठीक है हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है यानी यूने कोस के लिए किसे चुना गया मेरे भाई ये इंडिया, इंडिया, इंडिया को चुना गया है इंडिया को चुना गया है यूनेस्कोस के लिए ठीक है ये यूनेस्को नहीं है यानी कि ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस वाला नहीं है जो कि आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुनता है वर्ल्ड हेरिटेज ये उस संस्था की बात नहीं हो रही है ठीक है हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 24 के अवधि के लिए यानी दो साल के लिए क्या किया गया है चुन लिया गया चुन लिया गया है ठीक <coughs> है अब बात यहां भारत की भी स्टैटिक फैक्ट पूरा दिया हुआ है कि नई दिल्ली राजधानी है रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के जो है राष्ट्रपति हैं मोदी जी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री संवैधानिक पदों पे बैठे हैं नंबर याद रखना बहुत जरूरी है 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी लखनऊ से आते हैं ग्री मंत्री अमित शाह जी ये गांधीनगर से चुन के आते हैं और पीयूष गोयल जी जो है ये महाराष्ट्र के कोटे से आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के कोटे से आते हैं ठीक है चलिए देखिए ये मैंने कहा ना ये यूनेस्को वाला नहीं है ये इको शोक है इसे क्या पढ़ते हैं शॉर्ट में इको शोक यू शोक पढ़ते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई क्या है सामी और सब बहुत क्वेश्चन लेकर के 24-25 क्वेश्चन है इतने क्वेश्चन है कोई भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं आपका छोटी बड़ी हर खबर आपकी कवर होगी बस आपको जल्दी जल्दी नोट करना होगा पेपर पेन पे ठीक है चलिए दोस्तों सामी खादिरा ने सन्यास की घोषणा कर दी है वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है तो वह फुटबॉल से संबंधित है वो किससे संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप सामी खेदिरा ने संन्यास की घोषणा की है उन्होंने जर्मनी के लिए 77 मैच खेले और सात गोल किए ब्राजील में 2014 विश्व कप जीतने में उनकी मदद की थी जर्मनी कैपिटल बर्लिन है और दोस्तों राष्ट्रपति फ्रांक वॉल्टर हैं स्टीन मायर और यहाँ के प्रधानमंत्री जेसिका एल्डन है ठीक है और अगर देखा जाए आ, मुद्रा यूरो है तो राष्ट्रपति फ्रांस वोल्टर स्टीन मेयर है सॉरी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे आ, फुटबॉल की तो फीफा इसको आयोजित करता है और अगला जो वर्ल्ड कप है वो कतर में होने वाला है दोहा में होने वाला है ठीक है और अगर बात करें फीफा के हेडक्वार्टर की तो वो ज्यूरिक में है और फीफा uh, में जो भारत की रैंकिंग है वो कौन सी कितनी रैंकिंग है फटाफट बताइएगा देखिए पीडीएफ डी कहाँ मिलता है जो ऊपर लिखा हुआ है जीए बाई प्यूसर सर्वे मेरे वीडियो के लिंक कितने बजे कहाँ होने वाले बैंकिंग की क्लास कहाँ होगी सिक्स मंथ करेंट अफेयर कहाँ होगा कितने बजे होगा और भी बहुत सारे कंटेंट्स वहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएटेड प्रोवाइड कराए जाते हैं आपको पीडीएफ इन क्लासों की वहां मिलती है जीए बाई प्यूसर टेलीग्राम ग्रुप देखिए नैन्सी यहाँ पे आपको बता भी रही है वेरी गुड किस देश के विदेश मंत्री शाहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का उन्होंने चुनाव जीत लिया विच कंट्रीज फॉर मिनिस्टर साहिब अब्दुल्ला हैज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सेवेंटी सिक्स सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की महासभा के जो है अध्यक्ष कौन बन गए हैं सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये साहिब अब्दुल्ला जी चुने गए हैं अब ये दोस्तों किस देश के हैं ये किस देश के हैं यहाँ पे तो ये बांग्लादेश के है. किस देश के हैं बांग्लादेश के हैं बांग्लादेश के ठीक है अब देखिए यहाँ पे फीफा की रैंकिंग में 104 और 105 में यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज हो यहाँ आप लोग कन्फ्यूज हैं ये भगवान ऐसे कैसे चलेगा बहुत सखारे जी बता रहे पहले पे बेल्जियम है दूसरे पे फ्रांस है तीसरे पे ब्राज़ील है बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र की छिहत्तरवीं महासभा कौन से छिहत्तरवीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए ठीक है भारत ने नवंबर 2020 में ही विदेश सचिव की मालदीव यात्रा के दौरान उन्हें समर्थन देने की बात कह दी थी यानी भारत ने भी उन्हें समर्थन दिया मालदीव को कुल 143 वोट मिले वही अफगानिस्तान को 48 वोट मिले उनका वो उनका जो कार्यकाल है वो दो साल का होगा अगर मालदीव की बात करें तो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलीह और राजधानी है माले और करेंसी है रुपया दोस्तों रुपया आठ देशों की करेंसी है जिसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा मामा यानी माँ से मॉरिशस माँ से मालदीव श्री श्री से श्रीलंका ने, ने से नेपाल ने भाई से पाक मांगा भा से भारत ई से इंडोनेशिया से से पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी जो है कि रुपया ही करेंसी है ठीक है यानी इतने देशों की करेंसी जो है वो रुपया बोलते हैं तो ये रहे साहब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आया दोस्तों स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा है 105 हो गया है क्या फीफा रैंकिंग वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है 105 हो गया है फीफा रैंकिंग पंजाब पंजाब में दोस्तों यहां परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में स्कूली शिक्षा में यह पहले स्थान पर रहा है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया देखिए आपको ने भी लिख दिया है बहुत बढ़िया पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के राज्यपाल हैं बीपीएस एस सिंह बदनौर और यहाँ वैक्सीन के ब्रांड एम्बेडर है सोनू सूद मसीहा जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है आई एम नो no मसीहा जिन्होंने अभी ए, एक no masiha, अपनी एक बुक लिखी है आई एम नो मसीहा जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है आई एम नो मसीहा ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए बहुत बढ़िया पंजाब की देख रहे हैं आप तो सबसे तगड़ी स्कोर है दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ है तीसरे पे तमिलनाडु है सबसे आखिरी पोजीशन पे मेघालय है।, है ना सबसे लास्ट टॉप थ्री जो है बॉटम थ्री जो है अरुणाचल नागालैंड और सबसे नीचे मेघालय दोस्तों अगला क्वेश्चन यहां पे ये रहा एच इंडिया के नए सीईओ कौन बने एच इंडिया के नए सीईओ कौन बने तो दोस्तों एच एस बी सी इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं ये बने हैं दोस्तों हितेंद्र दबे और एच एस बी सी हांगकॉन्ग एंड हांगकॉन्ग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ये दोस्तों भारत का पहला बैंक है जिसने एटीएम लेके जो भारत आई थी जिसने ए टी एम लॉन्च किया था नाइनटीन एटी सेवन में नाइनटीन सेवन में इसने दोस्तों जो है ये एटीएम लॉन्च किया था ऑटोमेटेड टेलर मशीन मुंबई में एटीएम का दर्शन कराने वाली यही बैंक थी हॉगकोंग एंड संघाई इसका नाम है लेकिन इसका हेडक्वार्टर लंदन में इसका है मेरे भाई लंदन में ठीक एच एस बी सी के सीईओ जो है वो नोए क्वीन है इनका जो हेडक्वार्टर है इन लंदन में है और इसकी स्थापना अठारह में हुई थी हांगकॉग में तीन मार्च अठारह में तो फिर लंदन में क्यों है क्योंकि तो पहले हांगकांग जो दो है दोस्तों वो ब्रिटेन के अधीन था ठीक है बाद में इसे चाइना को दे दिया गया लीज पे और अब वो जो है अपनी मनमानी कर रहा है वहाँ पे लोग आज़ाद होना चाहते हैं तो इसके हेड हैं नोएल क्वीन ठीक है चलिए दोस्तों जहां वोट वहां वैक्सीनेशन ये कहां के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया जहां वोट वहां वैक्सीनेशन ये कहां की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है तो ये लॉन्च किया गया मेरे दोस्त दिल्ली की सरकार के द्वारा जहां वोट वहां वैक्सीनेशन तो दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अरविंद बैजाल बैजाल जी जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के वाटर ब्यूरियल मूवी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है तो दोस्तों वाटर ब्यूरियल को तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की मूवी है कहाँ की मूवी है अरुणाचल प्रदेश की ये वाटर ब्यूरियल मूवी है और नेशनल अवार्ड भी दोस्तों इसे मिला था सोशल जो कॉज के लिए अगर देखा जाए तो ना याद आ रहा है लोकप्रिय असमिया सभा कोटा मनु से प्रेरित जो ये से दोरजी थोंगजी द्वारा लिखा गया वाटर ब्यूरियल मोनपा भाषा में मोनपा भाषा वहां की भाषा है ठीक है मोनपा वहां की जनजाति भी है अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी बुनी गई है लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनु से प्रेरित है जो ये से थोंगजी द्वारा लिखा गया है वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश के स्थानिक जनजाति के चलिए तो दोबारा हो गया आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है मुख्यमंत्री पेमा खांडू है राज्यपाल कौन है बी डी मिश्रा है अरुणाचल प्रदेश से आसाम को जोड़ते हुए भारत का सबसे लंबा ब्रिज भी है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी लोहित नदी पर जिसे हम लोग कहते हैं ढोला सादिया ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज भी अरुणाचल प्रदेश से आसाम को ही जोड़ रहा है मेरे भाई उसका नाम है बोगी बिल ब्रिज जिसे हम अटल सेतु कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं अटल सेतु कहते हैं अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था जब इस पर उन्नीस सौ बासठ में चाइना ने अटैक किया था चाइना इसे तिब्बत का हिस्सा मानता है इसे दक्षिण तिब्बत कहता है और यहीं पर भारत और चाइना के बीच की लाइन है जिसे एल ए सी कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन एल ओ सी है लेकिन यहाँ पे चाइना और भारत के बीच की जो लाइन है वो एल ए सी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वैसे अंतरराष्ट्रीय रेखा जो इस भारत और चाइना के बीच में है उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा कौन सी रेखा कहते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं ठीक है, है? मैकमोहन रेखा कहते हैं मेरे दोस्त तो याद रखेंगे ठीक है और रेड क्लिफ लाइन किसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के जो है बीच में जो 1947 में खींची गई थी दोस्तों 2024 में पहले हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा यह आपको बताना है कि हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में कौन सा देश कर रहा है तो यहाँ पे आंसर आ रहा है ओमान कर रहा है कौन कर रहा है ओमान को पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त वो याद रखेंगे आप कि लॉजेन स्विट्जरलैंड में है जहां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी क्वार्टर है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का भी क्वार्टर है और एक चीज और याद रखेंगे पेपर पेन लेके लिख लेंगे क्योंकि सर जो मुंह से बताते हैं वो डेफिनेटली आता है क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है एफ के हेड एक भारतीय है ये हमारे लिए गर्व का विषय है नरिंदर बत्रा नरिंदर बत्रा ठीक है सर आज से पांच बजे वाली क्लास होगी क्या आज से नहीं होगी लेकिन एक दो दिन में शुरू हो जाएगी आपके जो है मेन क्लास में ठीक है तो दोस्तों ओमान के पहले अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व कप के मेजबान के रूप में नामित किया गया एफ ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे संगठन की इवेंट्स बिडिंग टास्क फोर्स की सिफारिश के, के बाद साक्षी निकाय ने कहा कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने ओमान को मेजबान के रूप में नामित किया अब दोस्तों यहाँ पे एक बात कीजिए अगला हॉकी वर्ल्ड कप होने कहां वाला है इंडिया में होने वाला है ये बात याद रखेंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में और उड़ीसा के ही राउरकेला में आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना ठीक है यहाँ तक चीजें याद रहेगी ओमान के राष्ट्रपति कबूस बिन सईद अल सईद को दोस्तों लिख लो गांधी पुरस्कार मिला है दो वाला गांधी पीस प्राइज गांधी शांति पुरस्कार 2019 का इन्हीं को मिला है गा, और गांधी पीस प्राइज 2020 बांग्लादेश की आजादी के 50वां साल हम लोग मना रहे हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनके राष्ट्रपति को उनके जो है फादर ऑफ द नेशन को मिला था जिन्होंने बांग्लादेश बनाया पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में एक आंदोलन की शुरुआत करी थी शेख हसीना के फादर जी बंगबंधु जिन्हें कहा जाता है प्यार से उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश ढाका टका दोस्तों 19 दिसंबर को हम लोगों ने आ, 16 दिसंबर को हम लोगों ने उस पर जो है विजय पाई थी आ, इसलिए हम लोग उस दिन विजय दिवस मनाते हैं है ना 1961 में 26 मार्च के दिन दोस्तों बांग्लादेश ने अपनी आजादी का दिन मनाया और बहुत धूमधाम से मनाया 122 सैन्य टुकड़ी बांग्लादेश की इस बार हमारे रिपब्लिक डे परेड में भी आई थी ओमान की बात की जाए तो ओमान की कैपिटल है दोस्तों मस्कट और यहाँ की जो करेंसी है मेरे भाई वो क्या है रियाल यहाँ की करेंसी क्या है रियाल है याद रखेंगे ठीक है क्लियर है मोलिंग नेशनल पार्क नमदफा नेशनल पार्क अरुणाचल अन, प्रदेश में अंकित बता रहे हैं बिल्कुल मॉलिंग नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क और दिबांग दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व पक् वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब अरुणाचल प्रदेश में है बिल्कुल सही जवाब है तो दोस्तों मस्कट ओमान में 2024 वाला हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है इसे याद रखेंगे ठीक है चलिए दोस्तों तेल नियामक पीएन के नए अध्यक्ष कौन हो गए वू विल बी द न्यू चेयरमैन ऑफ आयल रेगुलेटर पी एन जी आर बी तो ये होंगे संजीव सहाय जी कौन होंगे संजीव सहाय जी होंगे ठीक है याद रहेगा बहुत बढ़िया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है ये पदभार संभालेंगे ठीक है नीति आयोग के सदस्य वीके सरस्वत जी की अध्यक्षता में एक खोज समिति ने सहाय के नाम को मंजूरी दी है पी एन जी आर बी फुल फॉर्म याद रखेंगे फिर से पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ये दोस्तों स्टेटूटरी बॉडी है इंडिया में इसको रेगुलेट करने के लिए पेट्रोलियम और गैस को दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस देश की यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है कंट्रीज यूनिवर्सिटी university has इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन फटाफट से बताएंगे क्लियर है तो दोस्तों यहां पे चाइना चाइना की यूनिवर्सिटी है भाई साहब जिसने यहां पे क्या किया है टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में तीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने टॉप हंड्रेड में स्थान हासिल किया पहले नंबर पे आईआईएससी बेंगलोर रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दूसरे नंबर पे आईआईटी आई रहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और तीसरे नंबर पर आई इंदौर रहा ठीक है याद रहेगा पिछले साल की ही तरह एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी ने टॉप टेन में भी जगह नहीं बनाई ये जबकि केवल एशिया की ही रैंकिंग निकाली जा रही है तो भी ये भी बहुत अपनी बात है सिंधुआ यूनिवर्सिटी चाइना ने इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त किया है दूसरा स्थान भी चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने किया है तीसरा और पांचवा रैंक सिंगापुर के विश्वविद्यालयों ने हासिल किया है जबकि हांगकांग यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर रहा है चाइना की बात करें दोस्तों तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रीमियर कहा जाता है उन्हें चाइनीज प्रीमियर श्री जिनपिंग है कैपिटल यहाँ की बीजिंग है दोस्तों और करेंसी रेनमिन भी है बीजिंग में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है एस का और बीजिंग में ही एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है ठीक है क्लियर है याद रहेगा सभी को ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त देखते हैं फटाफट से और रोज दोस्तों साढ़े बजे हमें यहाँ जुड़ना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने, ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज अटेंड नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस फटाफट से बताएंगे तो दोस्तों यहां पे बेंगलुरु ने बेंगलुरु के जो एयरपोर्ट का नाम है ना वो है कैंपे एयरपोर्ट बहुत सारे एयरपोर्ट है ना हमारे देश में जैसे भुवनेश्वर वाले एयरपोर्ट का नाम है बीजू पटनायक एयरपोर्ट है ना उड़ीसा के वो है ना नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल के मुंबई वाले एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज दिल्ली वाले का नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंदौर वाले का नाम है अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भोपाल वाले एयरपोर्ट का नाम है राजा भोज एयरपोर्ट है ना यूपी वाले लखनऊ एयरपोर्ट का नाम है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अभी इनके सुपुत्र जो है चौधरी अजीत सिंह का भी निधन हो गया है ना चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पर अलग किसान दिवस मनाते हैं अभी वहीं के सारे किसान मिलकर के किसान आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत विकैत है ना यूपी वेस्ट के तो हैं अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी जो है देखा जाए कि अरे जा सबसे मतलब ऐसा प्रधानमंत्री जो लोकसभा के का दिन भी नहीं लोकसभा का एक भी सेशन अटेंड नहीं कर पाए और इस्तीफा देना पड़ गया एक महीने के अंदर ही चौधरी चरण सिंह ही थे तो दोस्तों यूपी में अभी हाल ही में नौ एयरपोर्ट बन गए हैं उड़ान योजना के तहत नौ, तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वहां पे कुशीनगर में जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था ठीक है तो बुद्धिस्ट लोग बहुत सारा दर्शन करने वहां पे आते हैं याद रखेंगे ठीक है तो दोस्तों भारत का पहला सोलर पावर से चलने वाला एयरपोर्ट कौन सा है जो है वो है केरल का कोचिन एयरपोर्ट जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम नैरोबी केन्या ने क्या दिया था चैंपियन ऑफ दी अर्थ अवार्ड दिया था दोस्तों चैंपियन ऑफ दी अर्थ अवार्ड दिया था ठीक है यूपी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो कि वाराणसी में है और जो है यहाँ पे आ, आगरा में है दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट ठीक है याद रहेगा महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट कहाँ है गोरखपुर में ठीक है चलिए बहुत बढ़िया हाल ही में कौन सी भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में शामिल हुआ है विच इंडियाज लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंट द यूनाइटेड नेशन सीईओ वाटर मैंडेट दोस्तों उस संस्था का नाम क्या है एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली यूटिलिटी है कंपनी है दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर एन सरकारी कंपनी है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ठीक है याद रहेगा चलिए एन दोस्तों वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों यहां पे आठ जून आठ जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है इम्पॉर्टेंट है और आठ जून को तुम्हारा वो क्या कहते हैं ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है इसे भी याद रखेंगे एनटीपीसी के हेड गुरदीप सिंह जी हैं वैभव बिल्कुल सही आपने कहा बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पे जो है समुद्र के महत्व के बारे में ये बताया जाता है इस बार की थीम क्या थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड इस बार की थीम थी थीम भी याद रखना हम लोग को पड़ता है जैसे इन्वायरमेंट डे जो पाँच जून को मनाया गया उसकी थीम क्या थी ये सब बड़े बड़े डेज हैं उसकी थीम क्या थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन उसकी थीम क्या थी जो पाँच जून को हम लोग ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया विश्व पर्यावरण दिवस मनाया इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन पुनर्बहाली करनी ही पड़ेगी इसलिए यूनाइटेड नेशन ने पूरा ये दस साल दो से तीस इस डेट को ही इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को ही फोकस करके बोल दिया है नफ दोस्तों अगला क्वेश्चन है नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने नफ्ताली बेनेट ये इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों बहुत बड़ी खबर है इसराइल जेरूशलम सेकिल अब इसराइल पे हमास ने फिलिस्तीन ने जो है हमला किया था दोस्तों उसके बाद संघर्ष विराम हुआ उसके बाद ये घटना घट गट गई कि वहाँ का राष्ट्रपति भी, भी विरोधी पार्टी का हो गया और यहाँ पे प्रधानमंत्री भी तो बेंजामिन नेतन्याहू जी को बेंजामिन नेतन्याहू जी को दो की जगह दोस्तों यहाँ पे नेफ्ताली बेनेट इस देश के प्रधानमंत्री बने ठीक है पहले ईसाक हरजोक राष्ट्रपति बने दो चार दिन पहले उसी के बाद तुरंत जो है ये बेंजामिन नेतन्याहू को भी प्रधानमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा राजधानी यरूसलम है ये भी कब्जेही किया हुआ यहूदी कंट्री है दोस्तों ये और शेकेल यहाँ की करेंसी है यहाँ के हर आदमी को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती है ये सब बहुत ही खतरनाक जो है कि लोग माने जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, है आर द्वारा हाल ही में हाल ही में रबल बैंक का एम किसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों विश्ववीर आहूजा जी को विश्ववीर आहूजा जी को जो है यहाँ पे आर जो है किया गया है RBL बैंक का सीएमडी नियुक्त RBL का मतलब होता है दोस्तों रत्नाकर बैंक लिमिटेड RBL का फुल फॉर्म क्या है रत्नाकर बैंक लिमिटेड सर डेली के करेंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं बिल्कुल आकांक्षा बनाने चाहिए मैं जो एडिशनल बताता हूं वो भी लिखना चाहिए और एक चीज और याद रखिए कि मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को पीडीएफ आपको ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है जी ए बाई पीयूष सर इसको सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी मदद मैं दे देता हूँ आपसे बातें भी होती हैं और लिंक्स भी सारे मिल जाते हैं आपको मेरी कौन सा लेक्चर कहाँ हो रहा है क्योंकि मेरा बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर दूसरे चैनल पे हो रहा है मेरा जो है स्टडीजे का जो है लेक्चर वो दूसरे चैनल पे होता है मैं पढ़ाता बहुत सारे चैनल पे हूँ इसलिए थोड़ा सा आप लोग को कनेक्ट होना पड़ेगा टेलीग्राम पर है ना तो आप लोग सेंट्रलाइज तैयारी कर पाओगे ठीक है ये बार बार डिस्क्लेमर मैं देता हूँ कि किसी बच्चे का कुछ छूट ना जाए नुकसान ना हो जाए ठीक है ये रत्नाकर बैंक है दोस्तों इसका जो है आ, पहले जो हेडक्वाटर था वो था कोल्हापुर में लेकिन अब हेडक्वाटर इसका कहाँ पे है मुंबई में है कहाँ पे है मुंबई में दोस्तों कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जो हाल ही में रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गई किस संगठन द्वारा ये जारी की गई तो किस संगठन द्वारा ये जारी की गई दोस्तों तो आरबीआई के द्वारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी हिल गया है और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस अगर हिल गया तो दोस्तों कंपनी का तो कॉन्फिडेंस वैसे ही गायब हो जाएगा तो आरबीआई द्वारा उपभोक्ता विश्वास सर्वे किया गया जो समान आर्थिक स्थिति पर प्रतिवादी की धारणा प्रदान करता है हाल ही में आरबीआई ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में कोविड नाइन्टीन की दूसरी लहर के चलते अब तक के सबसे निचले स्तर को पाया है करंट सिचुएशन इंडेक्स गिरकर अड़तालीस दशमलव पांच और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स गिरकर छियानबे दशमलव चार पर आ गया है दोस्तों क्या बताया लिनेट होलमेन एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप है एक आर्टिफिशियल आइलैंड है प्रपोज इसका निर्माण किस देश में किया जाना है तो इसका निर्माण दोस्तों डेनमार्क में किया जाना है कहा किया जाना है डेनमार्क किया जाता है रीना यादव कह रही है सर नहीं मिलता है सर्च करने पर आपका टेलीग्राम चैनल बाया रीना यह समस्या किसकी ये बहुत अच्छी बात बताई आपने तो देखो पीयूष सर एग्जामपुर भी सर्च कर सकते हो पीयूष सर जी भी सर्च कर सकते हो पीयूष सर स्टैटिक जी भी सर्च कर सकते हो ठीक है अगर तुमने दिल से खोजा होगा ना रीना तो मैं मिल ही जाऊंगा जहाँ चाह वहाँ रहा वेयर देयर इज विल देर इज वे अगर जी बाई पीयूष सर पे मैं नहीं मिल रहा हूँ ऐसा तो नहीं कि जी भाई पीयूष रघुवंशी सर आपने सर्च किया हो सबको तो मैं मिल गया तुम्हें क्यों नहीं मिला बताइए तो दोस्तों डेनमार्क में जो है एक जो है लिट्टी होम नामक एक आर्टिफिशियल विशाल द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी गई है ठीक है क्लियर है बहुत बढ़िया अब ये देखना होगा ना कि पहले कि वो सर्च करने पे मिल रहे हैं कि नहीं केरल ने अपने किस उपक्रम के संक्षिप्त नाम में के अक्षर का उपयोग करने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर पर कानूनी मामला जीत लिया है तो दोस्तों के, केरला हैज वन लीगल केस एट द रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क टू यूज द के इन एक्रोनिम ऑफ विच ऑफ इट्स अंडरटेकिंग किसी और को भी दिक्कत होती है क्या इसको खोजने में मेरे चैनल और मेरे ग्रुप को खोजने में किसी को दिक्कत होती है क्या तो बता दो भैया ये अच्छा क्वेश्चन है रीना का हो सकता है कई लोग को नहीं मिलता हूँ या कई लोग कैसे फर्जी किसी जगह जाके जुड़ रहे हैं और परेशान है तो केरल राज्य सड़क परिवहन निगम दोस्तों केरल स्टेट रोड कॉरपोरेशन यहाँ पे उसे KSRTC के एस आर टी सी में खे नहीं करने दिया जा रहा था ठीक है तो यहां पर उसने ये कानूनी लड़ाई जीत ली है ठीक है बहुत बढ़िया केरल और कर्नाटक के राज्य सरकार के बीच में ये लड़ाई थी क्योंकि वो भी अपना के एस आर टी सी लिखते होंगे ये भी लिखते होंगे तो इसलिए दोस्तों अब के इस वर्ड का प्रयोग दोनों राज्य कर सकेंगे क्योंकि दोनों का है ठीक है भगवान अच्छा हो सकता है मेरी फोटो ही पहचान में नहीं आ रही आ रही हो तुम लोग सोच लो अरे ये दूसरे सर हैं है ना अरे मेरे जवानी की फोटो है बुढ़ापे में तुम लोग देख रहे हो तो क्या होगा भारत सरकार ने दोस्तों किस कंपनी द्वारा निर्मित कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की खरीद की घोषणा की है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉर्बेवैक्स वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाई विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाई विच कंपनी फटाफट बताइएगा तो दोस्तों यहां पे आंसर होगा बायोलॉजिकल ई e. क्या आंसर होगा बायोलॉजिकल ई द ओल्डेस्ट फ्लैग इन वर्ल्ड डेनमार्क वाह अंकित वाह 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 ठीक है तो दोस्तों बायोलॉजिकल ई ये जो है कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को जो है बना रही है भारत सरकार ने घोषणा की है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन कॉर्बेवैक्स की तीस करोड़ की खुराक खरीदी की जो कंपनी बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित है इस फर्म का मुख्यालय कहाँ पे? है हैदराबाद में ठीक है अच्छा जो हमारी कोवैक्सीन जो है ना उसका भी हेडक्वार्टर हैदराबाद में ही है लेकिन उस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक कोविशील्ड जो बना रही है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बना रही है ठीक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हेड हैं आधार पुणे वाला सीईओ हैं एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था उन्होंने अभी बंगाल बेंग, की एक फाइनेंस कंपनी को, को खरीदा है तीन हजार चार सौ छप्पन करोड़ में उस कंपनी का नाम बताइए आप लोग स्वदेश निर्मित वैक्सीन एक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जो कि कोविड नाइन्टीन वायरस के स्पाइक प्रोटीन से बने हैं और उनको जो है वो तोड़ देता है किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ कार्यों को संरक्षित करते हुए एक मॉडल नागरिक चार्टर जो है जारी किया है अगर बात करें दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो भारत की रैंकिंग है वो एक रैंकिंग अभी आई है अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने राज्यों की भी ऐसी एक रैंकिंग निकाली है जिसमें केरल ने टॉप किया है और बिहार ने सबसे आखिरी पायदान पर कदम रखा है ठीक है क्लियर है अंकित के सर आज मैं सोया ही नहीं क्लास लेने के चक्कर में हो भाई साहब मतलब क्या हुआ होगा पाँच बजे तक तो तुम गर्लफ्रेंड से बात किए होगे फिर सोचे होगे कि अब आधी घंटा क्या सोना साढ़े पाँच बजे से सर की क्लास कर लेते यही हुआ है ना अंकित है ना वरना रात भर कैसे आदमी नहीं सोएगा साढ़े पाँच बजे की क्लास है बताओ जरा तुम तो? ऐसे ऐसे पॉजिटिव पॉइंट भी देखा जाए तो हो सकता है बच्चा पढ़ रहा हो मेरा है ना सॉरी अंकित मैंने तुमको गलत समझा जबकि तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पे एक मॉडल नागरिक चार्टर जो है जा, जारी किया है किस मंत्रालय ने जारी किया पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय पे स्वामी तो योजना भी शुरू की गई थी दोस्तों ये पंचायती राज डे कब मनाया जाता है शायद चौबीस अप्रैल को मनाया जाता है ना है कि नहीं <coughs> तो दोस्तों यहां पे नेशनल एक्शन प्लान फॉर मिनिस्ट्रीज डिवीजन बाय टारगेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसडीजी तो दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर तैयार किया है उन्तीस क्षेत्रों में सेवाओं के शीघ्र वितरण और एक आदर्श नागरिक चार्टर का ढांचा है देखो सारे लोग वोट कर दिए कि यही हुआ है अंकित कह रहा हद है सर मैं हॉस्टल वाला स्टूडेंट हूँ गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी अरे हॉस्टल वालों गर्लफ्रेंड नहीं होते ऐसे कौन सी बात करती है मतलब क्या लड़के ऐसे कहती तुम हॉस्टल में रहते हो इसलिए हम जो है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनेंगे अरे बेटा ये जितने भी जो होते हैं ना ये सब लवर बॉय ये सब यही कहते हैं कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है ऐसे उनकी कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं रहती है मालूम पड़ेगा कि छोड़ो जाने दो मेरापी ज्वालामुखी जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है वो किस देश में स्थित है ये ज्वालामुखी ये वॉल्केनो किस देश में स्थित है मेरापी ज्वालामुखी जो सबसे अधिक जो है एक्टिव वॉल्केनों की कैटेगरी में आता है तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आर्खी पे है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये तो अंकित ये मैं भी बिना सोए रह लेता हूँ अब मुझे जो करंट अफेयर बनाना होता है तो मैं रात भर जागता हूँ अब उस चक्कर में क्या है दिन में अगर कोई काम आ गया तो मैं दिन में भी नहीं सो पाया तो जिसकी वजह से मैं दो दो दिन तक जागे रह जाता हूँ ऐसा मेरे साथ भी हो जाता है है ना हो जाता है और ऐसा करना भी चाहिए बिना सोया आज तक थोड़ी कोई मरा है, बिना खाए मर सकता है बिना सोए ऐसा नहीं है। कोई मर जाएगा इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है दोस्तों और यहाँ की भी करेंसी रुपया है और ये दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला है ये दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है ठीक है बहुत बढ़िया तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो पूरी की पूरी ये जो वॉलो का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कैसे जो है कि ये बाहर आता है कैसे ये जो है भड़कता है है ना अंकित को सपने सोने नहीं देते नंसिक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सपने वही है दोस्तों जो आपको सोने ना दे तो ऐसे सपने को अपने सामने लिखिए जो आपको सोने ना दे तो जब भी आप कंफर्ट जोन में जहां जा रहते हैं जहाँ जहाँ आपको आलस आता है उस जगह उस सपने को अपने टांग दीजिए चिपका के ताकि जब कभी आपको आलस आए तो उसको पढ़ो तो नहीं कन्हनिया पढ़ना है मुझे ये अचीव करना है ये चीज़ मुझे पानी है किसी भी हाल में क्योंकि ये चीज़ जो है मुझे चुभती है मुझे परेशान करती है तुम तो अभी एरोप्लेन हो अभी वातावरण एटमोसफियर को तोड़ नहीं पा रहे हो है ना बस ऐसे उड़ रहे हो कम्फर्ट जोन में लेकिन दोस्त एक बार रॉक हवाई जहाज ने रॉकेट से पूछा हवाई जहाज ने रॉकेट से पूछा कि बताओ कि तुम जो है ये वातावरण को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटी को तोड़ते हुए अंतरिक्ष तक चले जाते हो जबकि मैं नहीं जा पाता क्यों तो बोलता है रॉकेट कि तुम्हारे भी पूछ में आग लगी होती तो ये बात समझ में आता तो दोस्त अपनी जिंदगी में अपने सपनों को खोजो कि क्या चीज तुम्हें इरिटेट कर रही है किस चीज़ को तुम अपनी लाइफ में है वो नहीं चाहते हो और उस चीज़ को अपने सपने के रूप में टांग दो कि ये चीज़ मुझे ख़त्म करनी है या ये चीज़ मुझे अचीव करनी है मुझे इस माहौल में नहीं जीना है मुझे उस माहौल में जीना है मुझे ये करना है तो दोस्तों देखो फिर वो पूछ में आग लगेगी ना तो फिर नींद नहीं आएगी और दोस्तों सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है दोस्त रातों से लड़ना पड़ता है ठीक है क्लियर है याद रहेगा चलिए दोस्तों फटाफट से अगले क्वेश्चन के बाद चलते हैं सर कौन सा कौन सा भारतीय सशस्त्र बल एकीकृत युद्ध समूह बनाने के लिए तैयार है विच इंडियन आर्म्ड फोर्स इज सेट टू क्रिएट इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप हीरामन रामन पॉल कह रहे हैं कि सब पूरी रात ना सोए तो कौन सा तीर मार लोगे पता नहीं देखो कुछ लोग दिन में पढ़ लेते हैं कुछ लोग सुबह उठ के पढ़ लेते हैं पढ़ना जरूरी है कुछ लोग को सुबह आलस आती है उठने में कुछ लोग रात में बढ़िया पढ़ते हैं शांति में तो ये कोई ठीक नहीं है ये कोई बात नहीं है कि भाई सबकी जिंदगी अलग है सबकी चीजें अलग है कोई किसी को, को दोपहर में पढ़ना चाहता है पढ़ना जरूरी है टाइम कुछ भी हो अगर रात में अच्छी पढ़ाई होती है, तो रात में पढ़िए कोई दिक्कत नहीं ठीक है अपनी आप थॉट दूसरे पे नहीं थोप सकते ठीक है तो दोस्तों यहां पे आंसर है कि इंडियन आर्मी ने क्या किया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो है को क्रिएट किया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को क्रिएट किया है व्हाट आर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स आईबीजी आर ब्रिगेड साइज एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन ठीक है याद रखिएगा भारतीय सेना एकीकृत एक 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 युद्ध समूह नामक एक नई स्वनिहित लड़ाकू इकाइयाँ बनाने की राह पर है लगभग पाँच हज़ार सैनिकों के साथ इंटीग्रेटेड आईबीजी की प्रारंभिक इकाई में टैंक तोपखाने वायु रक्षा सिग्नल इंजीनियर्स और अन्य इकाइयों का मिश्रण होगा जो स्थायी रूप से एक जगह तैनात होंगे इन इकाइयों के दो तक बनने की उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छा बहुत अच्छा हमारे देश को ये जो है ऊँचाइयों पर ले जाएगा बहुत अच्छा दोस्तों प्राण वायु देवता ये पेंशन योजना किस राज्य और केंद्र शासित पहल प्रदेश की एक पहल है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम ये दोस्तों कहाँ पर है ये मतलब किस राज्य ने स्टार्ट किया है तो दोस्तों ये स्टार्ट किया हरियाणा ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है दोस्तों ठीक है हरियाणा दिल्ली में इस बार का खेलो इंडिया यूथ गेम भी होगा है ना पंचकुला में केवल होने वाला था लेकिन अब और जगह पे भी होगा खेलो इंडिया यूथ गेम में इस बार योगासन भी ऐड हुआ है ना ठीक है याद रखेंगे हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री है, हैं दुष्यंत चौटाला वो टेबल टेनिस फेडरेशन के हेड है और परिवार पहचान पत्र यहाँ की प्रमुख योजना है हरियाणा की याद रखेंगे हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क ये करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों हेल्पफुल होगी ठीक है याद रहेगा और दोस्तों गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अक्सर पूछ लेता है कि कहाँ पर है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है तो लोग जो है इसे जो है यूपी टिक कर लेते हैं लेकिन जो है यहाँ पर गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में है याद रखिएगा तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की है इस योजना के तहत राज्य सरकार पचहत्तर वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों के रखरखाव के लिए पच्चीस सौ रुपये की पेंशन राशि प्रदान करेगी इस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार यह पेड़ पेंशन हर साल बढ़ती रहेगी इसी क्रम में प्रदेश में लागू की जा रही विद्यावस्था सम्मान पेंशन योजना भी चालू की जा रही है ठीक है तो दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से हम लोगों ने पढ़ा आज का सेशन अब आपको रोज जो है साढ़े पाँच बजे यहाँ पे आ जाना है बस एक बात याद रखिएगा साढ़े पाँच बजे ताबड़तोड़ तरीके से आ जाना है तो चलिए दोस्तों रोज साढ़े पाँच बजे जुड़ना है जितने लोग बाद में जुड़ रहे हैं जी ए बाई पीयूष सर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए पी यहीं पर अभी मैं दे दूंगा और दोस्तों यहीं से आपको पता भी चल जाएगा मेरा कितने बजे कहाँ किस चैनल पर लेक्चर होता है थैंक यू सो मच शुक्रिया धन्यवाद आपका दिन शुभ हो मस्त रहिए स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए घर में रहिए ठीक है थीके?